Welcome to my YouTube channel Banking Help, and I am Otunu. In this video I'll talk about financial inclusion. In fact, I am going to explain everything, all the details related to financial inclusion. First comes to the definition. What is financial inclusion, or what financial inclusion stands for? We will see in the definition. What is the definition? Financial inclusion is delivery of basic banking services to the underprivileged, disadvantaged and downtrodden group of peoples of our society. इसका मतलब ये हुआ कि financial inclusion actually में basic banking services है गरीब आदमी के लिए एकदम low cost में. ये actually में मतलब financial inclusion actually में क्या करता है, लोगों को banking का facilities देते हैं ताकि आम आदमी के पास बैंकिंग फैसिलिटी एक्सेस करने के लिए एक मौका आए. मतलब फिनेंशियल इंक्लूजन एम्स टू एक्सटेंड हैसल फ्री सेविंग्स एंड लोन फैसिलिटीज एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू द अंडर प्रिविलेज्ड एंड अनबैंक्ड पॉपुलेशन. जाहिर सी बात है, अब हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि चलो ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन तो होता ही है, पर क्यों ये इम्पोर्टेंट है, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट. और एक इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है कि वेयर लाइज इट्स एडवांटेज, कहाँ पे इसका एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स है कि नहीं. अगर बेनिफिट्स है ही नहीं तो ये काम का ही चीज़ नहीं है. पर जी नहीं, फिनेंशियल इंक्लूजन का ज़रूर इसका बहुत सारे एक्चुअली ढेर सारे एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं. वो बेनिफिट्स यहाँ पे अब बताने वाला हूँ, अभी पॉइंट वाइज बताऊँगा. पहला बेनिफिट्स जो आम आदमी को मिलता है, बेनिफिट्स टू द कॉमन पीपल. सेकंड बेनिफिट्स टू द मैन, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, ये मेरा थर्ड पॉइंट है. तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, बेनिफिट्स टू द कॉमन पीपल. आम आदमी का क्या लाभ होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फिनेंशियल इंक्लूजन डाउनट्रॉडन पीपल के लिए है. तो जो लोग बहुत गरीब होता है, अगर वो लोग बैंक का अकाउंट खोलेंगे तो उनको एक हैबिट हो जाएगी पैसा सेव करने का. बैंक में पैसा रखेंगे तो अकाउंट वो पैसा सेव होगा, ये गई एक. दूसरी बात, इमरजेंसी पे लोग क्या करते हैं, किसी और से ज़्यादा इंटरेस्ट पे, ज़्यादा ब्याज पे पैसा लेते हैं. पर अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप इमरजेंसी पे बैंक से भी क्रेडिट ले सकते हो, अभी लो इंटरेस्ट पे, ये गई दूसरी बात. इसके अलावा भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं. उसके साथ साथ और एक चीज़ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट शायद कुछ लोगों को लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स विल गेट सोशल स्टेटस. अब आते हैं दूसरी, बैंक को क्या फ़ायदा मिलेगा, फिनेंशियल इंक्लूजन अगर बढ़ता है तो बैंक को क्या फ़ायदा मिलेगा. लो कॉस्ट डिपॉजिट विल इंक्रीज, क्योंकि फिनेंशियल इंक्लूजन अगर बढ़ता है तो लोग पैसा जमा करेंगे, और जो पैसा जमा करेंगे वो रिटेल में आएगा. ऐसा नहीं है, मतलब बैंक का जो डिपेंडेंसी था कि एक बल्क अमाउंट पे या कुछ ट्रांजेक्शन पे, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगा. मतलब रिड्यूस बैंक्स डिपेंडेंस ऑन बल्क डिपॉजिट. जैसे कि डिपॉजिट बढ़ता है तो रिटेल डिपॉजिट भी उसका बढ़ जाएगा, और जिसका एक इम्प्लीकेशन है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा बैंक का. और अगर फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है तो बैंक को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि कस्टमर बेस बहुत बढ़ जाता है, तो उसका जो क्रॉस सेलिंग है वो अपना प्रोडक्ट को क्रॉस सेल कर सकते, जैसे कि इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड, पेंशन प्रोडक्ट, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो बैंक बेच सकता है अपने कस्टमर को, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है. अब आते हैं सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को क्या मिलता है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो जितने भी सारे सब्सिडी हैं, पहले जो देते थे वो बाय हैंड जाता था, तो उसमें थोड़ा उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं था. अब डायरेक्ट अगर कस्टमर के पास जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास जाता है, तो उसमें
एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, मतलब ये फिनेंशियल इंक्लूजन। अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट रहेगा तो गवर्नमेंट को भी मिल जाता है एक मौका कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को सब्सिडी मिले, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इनक्रेज करता है ये सब सब्सिडी देने के लिए, फिनेंशियल इंक्लूजन को इनक्रेज करता है, और इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, सिस्टम से भी इनएफिशिएंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बाय सिस्टम से होगा तो कुछ आदमी से नहीं होगा, तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सब थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के फ़ायदे एडवांटेज। अब आते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि बैंक की रीच सब लोगों तक पहुँच, इसके लिए अब तक क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI मिलकर जो उठाए, BSBDA बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक है नो फ्रिल्स अकाउंट, और भी एक है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये बहुत सारी प्रोग्राम्स या फिर फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI की तरफ से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर अटल पेंशन योजना, ये सब के सब फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाए गए हैं। और इन सब में थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, ताकि सब लोग अपना जो अकाउंट है बैंक में जाके खोल सकते हैं। सिरिसिल क्या है, सिरिसिल इंडेक्स यहाँ पे आ जाता है जब भी फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। सिरिसिल एक्चुअली है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो सिरिसिल क्या करता है, हर साल में वो एक रेटिंग निकालता है, तो सिरिसिल के हिसाब से ये रेटिंग था इंडिया का फिनेंशियल इंक्लूजन के। अब आते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन में हिंड्रेंस क्या क्या है, मतलब गवर्नमेंट RBI सब मिलके इतने कोशिश के बावजूद क्या क्या समस्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI फेस कर रहे हैं। एक तो है लैक ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी, मतलब फिनेंशियल का जो ज्ञान है वो नॉर्मली डाउन ट्रॉडन पीपल या फिर कहते हैं डिसएडवांटेज पीपल के पास नहीं रहता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मोबाइल सब नहीं है। लैक ऑफ ID, जैसे कि ID, UI, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सबके पास नहीं होता है। लैक ऑफ ट्रस्ट, सब लोग सोचते हैं कि बैंक में अकाउंट खोलेंगे पैसा देंगे तो पैसा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर किसी के पास पैसा ही नहीं रहता है अकाउंट खोलने के लिए। तो ये सब चीज़ें है जो फिनेंशियल इंक्लूजन के आगे हिंड्रेंस है। एक्चुअली फिनेंशियल इंक्लूजन इज अ लॉन्ग वे रोड, बहुत बड़ा रास्ता है, लंबी रास्ता है जो हम लोगों को ट्रैवल करना है, इंडिया को ट्रैवल करना है। पर खुशखबरी ये है कि फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI बहुत सारे चीज़ें स्कीम्स लेके आए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि माइल्स टू गो बट बॉल इज सेट इन टू मोशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट कीजिए, और कॉमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट में कैसे वीडियो बनाइए। थैंक यू वेरी मच।